क्लासिकल मैकेनिक्स के इस लेक्चर में हम सेंट्रल फोर्स मोशन के बारे में कुछ और बातें जानेंगे और साथ ही सेंट्रल फोर्स मोशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की स्टडी भी करेंगे। अभी तक हम सेंट्रल फोर्स और एक सेंट्रल फोर्स में मूव करने वाले पार्टिकल्स के बारे में कई सारे बातें डिस्कस कर चुके हैं, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम किसी सेंट्रल फोर्स मोशन में मूव कर रहे प्लैनेट या पार्टिकल की स्टेबिलिटी पर ध्यान देंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट अंडर सेंट्रल फोर्स। ओके, वेल, जब हमने सेंट्रल फोर्स पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो हमने एक पार्टिकल जो कि सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहा हो उसके लिए लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व किया था, और लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने के बाद हमें उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी मिली थी ई, जो कि इक्वल थी 1/2 m r² जो कि काइनेटिक एनर्जी होती है, प्लस j² / 2 m r² के प्लस vr के। ये उस सिस्टम की टोटल एनर्जी हमें मिली थी। यहाँ पर 1/2 m r² पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, j² / 2 m r² सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी है रेडियल मोशन की वजह से, और v जो है वो एक्चुअल पोटेंशियल है। सो वेयर 1/2 m r² इज द काइनेटिक एनर्जी, j² / 2 m r² सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी है, और जो पोटेंशियल वी आर है ये एक्चुअल पोटेंशियल है। ठीक है, इफ इन दोनों पोटेंशियल एनर्जीज को j² / 2 m r² और जो एक्चुअल पोटेंशियल इन्हें कंबाइन कर दिया जाए तो ये इफेक्टिव पोटेंशियल कहलाता है, जो कि इक्वल होगा j² / 2 m r² प्लस वी आर के। और ऐसे में अब सिस्टम का लैग्रांजियन एल इक्वल होगा 1/2 m r² प्लस वी इफेक्टिव आर के। ठीक है, सो इसके लिए स्टेटमेंट लिख लीजिए, अ पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल पोटेंशियल वी आर टोटल एनर्जी इस रिलेशन से दी जाती है। वेल, हमने ये इसलिए लिखा है ताकि हम स्टेबिलिटी पॉइंट फाइंड आउट कर सके जब एक पार्टिकल सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहा हो। इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये आर है और ये पोटेंशियल वी है। यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है और इस तरफ प्लस में और नीचे माइनस में है। वेल, सबसे पहले बात करते हैं इस सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी की, जिसे ऐड करके हमने इफेक्टिव पोटेंशियल लिखा है। सो सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी की बात करें तो ये आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन पॉजिटिव है। सो ये कर्व कुछ इस तरह का होगा, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो वी सेंट्रीफ्यूगल है, ये सी एफ लिख देते हैं आर, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। बात करें वी आर जो कि एक्चुअल पोटेंशियल है, तो इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर इन केस ऑफ कोलंबियन फोर्स जो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, जिनके लिए फॉर इनवर्स स्क्वायर फोर्स एफ ऑफ आर इक्वल होता है -k/r² के। ठीक है, अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल वी आर होता है वो इक्वल होता है -k/r के। दैट मीन्स जो एक्चुअल पोटेंशियल होगा अगर इनवर्स स्क्वायर फोर्स की बात कर रहे हैं तो वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, नेगेटिव भी होगा। सो इस केस में जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो कुछ इस तरह का कर्व शो करेगा, दिस इज वी आर जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। बट जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें इफेक्टिव पोटेंशियल मिलेगा, और दोनों को कंबाइन करने पर इफेक्टिव पोटेंशियल इनिशियली आर स्क्वायर के
डोमिनेट होने की वजह से ये पॉजिटिव रहता है और फिर डिक्रीज होने लगता है और कुछ इस तरह का कर्व बनाता है। इस कर्व में हमें स्टेबिलिटी पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये वी इफेक्टिव है। वेल, कर्व को देख के ही आप बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा जहां पर इस कर्व का स्लोप जीरो हो रहा है, ये पॉइंट इसका स्टेबल पॉइंट कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। सपोज ये डिस्टेंस आर नॉट है, आर नॉट डिस्टेंस पर हमें स्टेबल पॉइंट मिलता है। अगर ये पॉइंट स्टेबल पॉइंट है तो इस पॉइंट पर इस वी इफेक्टिव पोटेंशियल का जो डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और इस पॉइंट पर स्लोप जीरो है। सो इस पॉइंट पर अगर आप स्लोप लेते हैं तो वो जीरो आएगा। सेकेंड थिंग कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स भी दो टाइप के होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। नाउ ये दो तरह के पॉइंट्स हैं, इस वाले पॉइंट पर भी स्लोप जीरो है और इस पॉइंट पर भी स्लोप जीरो है, लेकिन ये हालांकि ये दोनों ही इक्विलिब्रियम पॉइंट है बट दोनों में डिफरेंस है। यहां पर अगर आप किसी पार्टिकल को रखकर उसे किसी एक डायरेक्शन में हल्का सा भी पुश देंगे तो वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर चला जाएगा, यहां से लुढ़क के नीचे आ जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पर अगर हम पार्टिकल को हल्का सा भी पुश देंगे तो वापस से लौट के वो इसी पॉइंट पे आएगा। तो ऐसे पॉइंट जहां पर, ऐसे इक्विलिब्रियम पॉइंट जिन पर पार्टिकल को हल्का सा भी पुश देने पर वापस से वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही लौट आते हैं, इन्हें स्टेबल पॉइंट्स कहते हैं। और स्टेबल पॉइंट्स पर अगर ये पोटेंशियल का कर्व है तो पोटेंशियल के कर्व का जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ये ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ दिस, यहां पर अगर आप इसे हल्का सा भी पुश देंगे तो ये लुढ़क कर अपने स्टेबल पॉइंट से दूर चला जाएगा, और ऐसे पॉइंट्स पर इनका जो ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डी टू वी ओवर डी आर स्क्वायर, ये लेस देन जीरो होता है। तो ऐसे पॉइंट्स अनस्टेबल पॉइंट कहलाते हैं। सो फॉर दिस केस, यहां पर अगर हम बात करें तो इस वाले पॉइंट पर ये जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है और साथ ही एक स्टेबल पॉइंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हमें इसी पॉइंट पर इसके स्टेबल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। सो एट पॉइंट आर इक्वल्स टू आर नॉट, डी वी इफेक्टिव ओवर डी आर शुड बी इक्वल्स टू जीरो एंड डी टू वी ओवर डी आर स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। पहले डी वी ई ओवर डी आर स्क्वायर की बात करते हैं, ये कितना होगा। सो अभी हमने लिखा था कि सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है उसमें वी इफेक्टिव इक्वल है जे स्क्वायर ओवर टू एम आर स्क्वायर के, प्लस जो पोटेंशियल है वो है वी आर एक्चुअल पोटेंशियल, ठीक है। सो वी इफेक्टिव, इस पूरे क्वांटिटी को कांस्टेंट मान लेते हैं तो ये हो जाएगा बी आर टू द पावर माइनस टू, ये वाली टर्म, तो प्लस वी आर सेंट्रल पोटेंशियल है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो हम एक जनरल फॉर्म ले लेते हैं ए आर टू द पावर एन प्लस वन, ठीक है। और इस तरह से अब टोटल वी इफेक्टिव ये होगा। हमें इसी के लिए स्टेबल पॉइंट फाइंड आउट करना, हमने एक मोस्ट जनरल फॉर्म लिया है इसका। नाउ डी वी ओवर डी आर, तो डी वी ओवर डी आर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू बी आर माइनस थ्री प्लस एन प्लस वन ए आर एन, ठीक है। एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू जीरो, सो एट आर नॉट ये इक्वल हो जाएगा माइनस टू बी आर नॉट माइनस थ्री प्लस एन प्लस वन ए आर नॉट एन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से एन प्लस वन ए की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये इक्वल हो जाएगी टू बी आर नॉट पावर माइनस एन माइनस थ्री के, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है और ये इक्वेशन थ्री है। एक बार और डेरिवेटिव करते हैं। सो डी टू वी ओवर डी आर स्क्वायर
इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, माइनस सिक्स बी आर एट आर नॉट करते हैं, आर नॉट माइनस फोर प्लस इसका डिफरेंशिएशन एन एन प्लस वन ए आर नॉट एन, ठीक है, एंड दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू जीरो. नाउ एन प्लस वन ए की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स बी आर नॉट आर माइनस फोर प्लस एन, और एन प्लस ए की वैल्यू हो गई टू बी आर नॉट, एक ए भी है, आर नॉट की पावर, ओके इसका डिफरेंशिएशन किया हमने तो एन माइनस वन होगा, नॉट पावर एन माइनस वन, और एक ये वैल्यू आ जाएगी आर नॉट पावर माइनस एन माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो के. जस्ट हमने एन प्लस वन ए की वैल्यू यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है, सो एन से ये एन कैंसिल हो जाएगा और इनमें से कॉमन ले लेते हैं, तो एक तो टू कॉमन आ जाएगा, दूसरा बी कॉमन आ जाएगा, और आर नॉट अंदर बच गए माइनस थ्री आर नॉट पावर माइनस फोर प्लस टू कॉमन में आ चुका है, एन बचा, बी कॉमन में ले लिया हमने, ये ए बचा, और इसके साथ ही वेट अ मिनट, ए नहीं बचेगा, एन प्लस वन ए की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की है तो ए तो हट जाएगा, सिर्फ एन बचा है यहाँ पे, और आर नॉट पावर माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो. सो इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये बच जाएगा एन प्लस थ्री आर नॉट पावर माइनस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो के. नाउ अभी हमने कहा कि अगर ये पॉइंट स्टेबल पॉइंट है तो दिस शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए, विच मीन्स एन प्लस थ्री शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो और एन शुड बी ग्रेटर देन माइनस थ्री. अगर एन ग्रेटर देन माइनस थ्री आता है तो ही सिस्टम एक बाउंडेड स्टेट में मोशन कर पाएगा जिसमें एक स्टेबल पॉइंट होगा. अगर एन इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, विच मीन्स एन यहाँ पर फोर्स के नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर फोर्स इस नेचर का है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसके लिए कोई भी पॉइंट स्टेबल पॉइंट नहीं होगा, और उस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो एक क्लोज पाथ या बाउंडेड पाथ में मोशन नहीं कर पाएगा और उसके लिए कोई स्टेबल पॉइंट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल की बात करें, सो एन इक्वल्स टू वन की बात करें, तो एन इक्वल्स टू वन पे फोर्स एफ आर, अभी हमने जो पोटेंशियल लिया था वी वो काम में लिया है ए आर टू दी पावर एन प्लस वन, अगर वी इतना है तो एफ इक्वल होगा माइनस डी बी ओवर डी आर के, ठीक है, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस ए एन प्लस वन आर एन के, ठीक है. सो एफ जो है वो प्रोपोर्शनल है आर टू दी पावर एन के. नाउ एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर टू दी पावर एन, तो अगर एन इक्वल्स टू वन लेते हैं तो एफ ऑफ आर इक्वल होगा इस वाले रिलेशन से माइनस के कॉन्स्टेंट और आर के इक्वल, क्योंकि एन की वैल्यू वन है. सेकेंड एन इक्वल्स टू अगर टू लेते हैं तो एफ ऑफ आर इक्वल होगा माइनस के आर स्क्वायर के, ठीक है. इस तरह से फर्स्ट जो कंडीशन है ये हुक्स लॉ को रिप्रेजेंट करती है, और अगर माइनस टू लेते हैं, हम ग्रेटर देन माइनस थ्री कुछ भी ले सकते हैं, तो माइनस टू भी अगर ले लेते हैं तो माइनस टू लेने पर ये हो जाएगा माइनस के आर टू द पावर माइनस टू, विच मीन्स माइनस के ओवर आर स्क्वायर, और ये ग्रेविटेशनल लॉ को या इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, और ये दोनों ही लॉ एक बाउंडेड मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एन ग्रेटर देन माइनस थ्री से ग्रेटर वैल्यू पे कोई भी फोर्स कंसिडर करें वो आपको एक स्टेबल पॉइंट वाला कर्व रिप्रेजेंट करके देगा या एक ऐसा सिस्टम देगा जो कि बाउंडेड मोशन में होगा.
स्टेबल ये स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट थी, और एक ऑर्बिट स्टेबल तभी कहलाएगा जब उस ऑर्बिट में मूव करने वाला पार्टिकल बाउंडेड मोशन में हो, और उसके लिए ज़रूरी कंडीशन ये है कि फोर्स जिस एन पर डिपेंड कर रहा है वो ग्रेटर देन माइनस थ्री होना चाहिए, लेस देन और इक्वल माइनस थ्री होगा उस केस में वो कभी भी एक बाउंड सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। सो अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि सेंट्रल फोर्स मोशन पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स। Whose potential is Vr, that is Kmr cube k greater than 0, then first हमें find out करना है for what kinetic energy and angular momentum will the orbit be a circular of radius r? About the origin. And second thing है, calculate the period of circular motion. तो ये दो क्वेश्चन इसमें मेंशन किए गए हैं, एक पार्टिकल है एम मास का जो इस पोटेंशियल में मूव कर रहा है, हमें पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन बताना है। नाउ अगर पोटेंशियल वी के एम आर क्यूब है तो जो फोर्स होगा एफ ऑफ आर वो माइनस डी वी ओवर डी आर होगा, विच मीन्स माइनस 3 के एम आर स्क्वायर के इक्वल। चूँकि जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक सर्कल के ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस होना चाहिए। सो फॉर सर्कुलर मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर ओवर आर बैलेंस होना चाहिए इस फोर्स से माइनस थ्री के एम आर स्क्वायर के। ना हम यहाँ पर नेगेटिव साइन काम में नहीं लेंगे क्योंकि दोनों फोर्सेज ही हैं, जस्ट नेगेटिव इसके अपोजिट डायरेक्शन की वजह से है, बट मैग्नीट्यूड में वो सेम होंगे तो इसलिए हम प्लस साइन काम में ले रहे हैं। ना एम तो कैंसिल हो गया और यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू 3kr4 आ जाती है। दिस इज द वेलोसिटी, हमें फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी चाहिए। सो काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv² और ये हो जाएगा 1/2 mv² की जगह 3kr⁴, दिस इज 3/2 mkr⁴। ठीक है, नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम, पहले इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है, वी की वैल्यू हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
सो एक सेकेंड, ये आर है और ये आर स्क्वायर है, तो ये आर क्यूब होगा, ठीक है। सो वी स्क्वायर की वैल्यू ये रही, तो हम इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एम, वी की जगह पर हम काम में ले लेंगे 3 के आर क्यूब पावर 1/2, और एक आर ये हो जाएगा √3 के एम आर टू द पावर, ये हो गया 3/2 + 1, सो 3/2 + 1 5/2, सो आर टू द पावर 5/2, ठीक है। ये हो गए एंगुलर मोमेंटम। एंड द थर्ड वन इज द पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन। वेल, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक एंगुलर वेलोसिटी होगी, और हम जानते हैं कि रेडियल वेलोसिटी और सॉरी रेडियल नहीं, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है, दैट कि वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, और ओमेगा इक्वल होता है 2π/T के। सो इसे हम आर 2π/T लिख सकते हैं, जहाँ टी टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ से हम टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होगा 2π r/T के, r/v के, और v की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 2π r/3 k r³ / 1/2। सो सिंपली आप इसे सॉल्व कर लें, तो आपको t की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा 2/√3 π, रूट में k भी आ जाएगा, और r की वैल्यू यहाँ से 3/2 और यहाँ 1 है, तो ये -3/2 होगा, 1 - 3/2, ये वैल्यू आपको मिलेगी -1/2, सो दिस इज r -1/2। सो ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास एम डिस्क्राइब्ड एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट अ सेंटर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स फोर्स एट वन ऑफ इट्स फोकाई। गिवन बाय -k/r² वेयर k इज अ कॉन्स्टेंट। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑफ द ऑर्बिट ऑर्बिट, ठीक है। एक पार्टिकल है जो कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और फोर्स गिवन है -k/r² हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी एट एनी पॉइंट ऑफ द ऑर्बिट। सो सबसे पहले इसके टोटल एनर्जी की बात करें, सो एनर्जी ई इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v² के, और जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -k/r, ठीक है। नाउ चूंकि पार्टिकल एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए एनर्जी, टोटल एनर्जी इन
इलिप्टिकल ऑर्बिट उसके सेमी मेजर एक्सिस पर डिपेंड करती है जो कि ए इक्वल्स टू माइनस के ओवर टू ई होता है। तो यहाँ से हम टोटल एनर्जी ई की वैल्यू माइनस के ओवर टू ए कैलकुलेट कर सकते हैं और इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वन बाई टू एम वी स्क्वायर माइनस के ओवर आर इक्वल होगा माइनस के ओवर टू ए के। हमें वेलोसिटी चाहिए सो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू के ओवर आर माइनस के ओवर टू ए एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू बाई एम के बाई आर माइनस के बाई टू ए एंड वी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 by m k by r माइनस k ओवर 2a। ठीक है, तो इस तरह से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट में खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि अगर क्वेश्चन में ये बात मेंशन की गई है कि पार्टिकल एक इलिप्टिकल पाथ पर मूव कर रहा है सेंट्रल फोर्स में, तो आप इस इक्वेशन को अपने बेनिफिट के तौर पर काम में ले सकते हैं जहां से आप टोटल एनर्जी को रिप्लेस कर पाएंगे उस इलिप्टिकल ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सेस से, जिससे इसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसे एक और क्वेश्चन से सॉल्व करके देखते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई इज मूविंग अराउंड अ न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर G, find the period time in case of elliptical orbit. Well, a question के according एक जेड ई जी और एटॉमिक नंबर का एक न्यूक्लियस है जिसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो जो फोर्स लग रहा होगा कोलंबियन फोर्स एफ वो इक्वल होगा के न्यूक्लियस का चार्ज जेड ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई ओवर डिस्टेंस आर स्क्वायर के। ठीक है, इसे हम कंपैरिजन करें एक सेंट्रल फोर्स मोशन से तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी फोर्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है के को, सो इसे सिंपली के ओवर आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ हम के ऑलरेडी काम में ले रहे हैं तो इसे हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है वो फोर्स कांस्टेंट के है जो ऑलरेडी अभी तक हम काम में लेते हैं सभी रिलेशंस में। अगर फोर्स इतना है तो पोटेंशियल वी इक्वल होगा माइनस के जी ई स्क्वायर ओवर आर के, या फिर यहाँ इस फॉर्म में लिखें तो माइनस के ओवर आर के। तो सिस्टम की टोटल एनर्जी ई इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी के जेड ई स्क्वायर ओवर आर के। बट क्वेश्चन में मेंशन है कि जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है, सो फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट टोटल एनर्जी ई इक्वल होगी माइनस के ओवर टू ए के और इस के की वैल्यू हम यहां से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट है, सो माइनस के जेड ई स्क्वायर ये स्मॉल के है ओवर टू ए। ठीक है, ये वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू माइनस के जेड ई स्क्वायर ओवर टू ए इक्वल होगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के जेड ई स्क्वायर ओवर आर के।
यहाँ से इसे सॉल्व करके आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसे आप आगे सॉल्व कर लें, यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। और हम जानते हैं कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है v, वो r ओमेगा के इक्वल होती है और ओमेगा जो है वो 2 पाई बाई टी होता है। तो इस वैल्यू इस इक्वेशन में से सब्सटीट्यूट करके हम टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि टाइम पीरियड होता है जो कि पूछा गया है। तो इस तरह से आप टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर नाउ इस लेक्चर के लिए इतना ही, आगे के लेक्चर्स में हम सेंट्रल फोर्स मोशन के एप्लीकेशंस के तौर पर कुछ और टॉपिक्स की स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।